हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीवन यू आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये है हमारा ब्लॉग नंबर 5। तो दोस्तों, आज ना मैं कोई मार्केट एक्सप्लोर करने जाने वाला हूँ, ना मैं कहीं घूमने जाने वाला हूँ, बल्कि आज का ब्लॉग होगा घर में, मतलब घर में। लेकिन आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और वर्थ इट होने वाला है, क्योंकि आपने मेरा जो पिछला ब्लॉग देखा होगा उसमें मैं चांदनी चौक एक्सप्लोर करने गया था और मुझे कुछ सामान भी चाहिए था जो मुझे वहाँ से मिल गया, जो था एक गोरिल्ला ट्राइपॉड। उससे पहले मैंने उसको ऑनलाइन चेक किया था, तो उस पर ऑनलाइन क्या प्राइस था और मुझे ऑफलाइन कितने का पड़ा, तो उसकी जो है क्वालिटी कैसी है। और वैसे मैंने ऑफलाइन लिया, मुझको उसका एक फ़ायदा भी हुआ, वो भी मैं बताऊँगा। और इससे पहले जो है मैं कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करता था और मैंने उसको चेंज क्यों किया, सब बताऊंगा इसी ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले खाना खा लूँ यार, क्योंकि खाली पेट तो दिमाग में नहीं चलता। तो जल्दी मिलता हूँ खाना खा के। तो दोस्तों, खाना मैं खा चुका, अब करते हैं काम की बात। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ट्राइपॉड। तो दिखने में ये कुछ ऐसा है, गोरिल्ला ट्राइपॉड, और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और इसके जो नीचे के रबड़ हैं, ये रबड़ की क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। खड़े करने में ये बहुत, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, और थोड़ा ये वेट भी है, मतलब अपने साइज़ के हिसाब से ये थोड़ा भारी भी है। आप इसको किसी भी पोल पे कहीं पे भी इसको जो है इसको अटका सकते हैं। इसकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप इसको जैसे मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। इसी चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, आप कोई पोल हो वहाँ पे अटका के अपना शॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये पड़ा सिर्फ मेरे को 200 रुपये का। ऑनलाइन प्राइस मैंने चेक करी थी, वो थी 399, दोगुना। लेकिन बीच में एक पॉइंट है, जो 399 वाला था वो एक दूसरा था जो कि इससे छोटा आता है, और ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है, वो था तकरीबन इतने साइज़ का, वो इतने साइज़ का था जो मैंने नेट पे देखा था। वो वाला भी चांदनी चौक में था, उसका प्राइस था 150 और ये है 200 का। और इसका जो मैंने ऑनलाइन चेक किया ये साइज़ का, इस ट्राइपॉड का, तो वो था 549। 200 का लाया हूँ ऑनलाइन, 549 देखा। इसलिए आपको जो है ऑफलाइन भी जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं, एक बार ऑफलाइन चेक कर लीजिए, ज़्यादा सस्ता मिल जाए। और अब बात करते हैं इसके ऊपर, ये है फ़ोन होल्डर, इसमें फ़ोन अटक जाएगा, गिरने का सवाल ही नहीं होता। तो अब मैं बताता हूँ जो इससे पहले मैं ट्राइपॉड यूज़ करता था वो कैसा था। तो वो था ये, इससे मैं पहले ब्लॉगिंग करता था, उसको लाने से पहले। इसमें इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये इसका छोटा क्या छोटे छोटा भाई लगता है। और इसमें भी ये ऊपर ये वाला स्टैंड आया, क्योंकि ये वाला स्टैंड थोड़ा मजबूत होता है, एक और स्टैंड रहता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वो यूज़ मत करना। उसमें एक ऊपर सी रबड़ होती है, उसको खींच के फ़ोन अटका दो, उसमें से फ़ोन निकलने चांस बहुत होते हैं। और इसका प्राइस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 रुपये का है ये भी। तो एक्चुअली और बताता हूँ मैंने इसको चेंज क्यों किया, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ये वाइट वाइट, ये मेरे से गिर गया था और इस पर जो बाइक चढ़ गई थी और ये टूट गया। छो मेरे फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं इसको फेविक्विक लगा के चिपका तो दिया, लेकिन मुझे ब्लॉगिंग करते टाइम डर लगता था कि मेरा ये दोबारा टूट गिर ना जाए, मेरे फ़ोन की स्क्रीन ना टूट जाए। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक नया ट्राइपॉड ले लिया जाए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ इससे, इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और मैं आपको, अगर आप एक ट्राइपॉड लेना चाहते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। और एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप कोई सामान लेते हैं तो उसको दोनों जगह चेक कर लीजिए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। कई बार होता है ऑनलाइन पे वो महंगा मिलता है, ऑफलाइन सस्ता मिल जाता है, कई बार आपको ऑफलाइन महंगा मिलता है और ऑनलाइन सस्ता मिल जाता है। तो बस यही था आज की वीडियो में, मेरे को तो इसका रिव्यू करके बहुत अच्छा लगा, ये ट्राइपॉड मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ इससे। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में।